कि ईश्वर की सृजना को तुम बना तो सकते ही नहीं, तुम डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। यू कांट कंस्ट्रक्ट। बाबा जी प्रणाम। एक वीडियो, सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर भी बनाने का कष्ट करें। भगवान बुद्ध जहां भी जाते थे उस गांव में ढिंढोरा पिटवा देते थे और 14 प्रश्नों की एक लंबी कतार बोल दी जाती थी कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं। कोई भी उनसे ये 14 प्रश्न न पूछे, बाकी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ये 14 प्रश्न अव्याकृत प्रश्न है, यानी इनका जवाब व्याकरण में दिया नहीं जा सकता। अव्याकृत प्रश्न कहा बुद्ध ने, और उनमें से एक प्रश्न ये भी था, सृष्टि की संरचना किसने की, कब हुई, कैसे हुई। क्योंकि बुद्ध जैसे लोग झूठ नहीं बोलते, और अगर बुद्ध जैसे लोग झूठ बोलेंगे तो आने वाली सदियों सदियों तक तुम्हारे दिमागों में यह कचरा भरा रहेगा। बुद्ध झूठ बोलते हैं, बुद्ध जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। इसलिए बुद्ध पहले ही कह देते हैं कि ये 14 प्रश्नों के जवाब मुझसे कोई ना पूछे। उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि सृष्टि की संरचना कब हुई, किसने की, कैसे हुई। लेकिन आपके पंचांगों में सृष्टि का आरंभ वर्ष लिखा होता है। वो कहते हैं कि सृष्टि की संरचना करीब 1,95,00,000,000 साल पहले हुई। लेकिन ये सिर्फ अंदाजे, और अंदाजे सिर्फ जवाब देने के लिए होते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को ये अभी मान था कि हमारे पास हर प्रश्न का जवाब है। इसलिए वो कोई भी प्रश्न ऐसा छोड़ना नहीं चाहते थे जो प्रश्न अनसुलझा रह जाए, अनबताया रह जाए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, और उनकी सर्वज्ञता ने उनसे झूठ बुलवा दिया। आज भी तुम देखना पंचांगों के पीछे लिखा होता है कि सृष्टि का आरंभ वर्ष, फिर सतयुग का आरंभ, कल्प का, फिर सभी युगों का। लेकिन इन बातों में सच्चाई नहीं, ये झूठ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमात्मा की बनाई सृजना और उसका हिसाब मानव लगा सके। सृष्टि की सृजना की बात मानव के मस्तिष्क से बहुत दूर की है, मानव दूर तक उसे छू भी नहीं सकता। जपजी साहब में बाबा नानक कहते हैं, कवन सवला वक्त कवन
कवन थित कवन वार, कवन सी रुत माह कवन, जित होया आकार। आकार सृष्टि, सृष्टि की सृजना कब हुई, कवन सो वेला, वो कौन सा वेला था, कौन सा वक्त, वक्त कवन, कौन सी, कौन सा समय था, क्या टाइम था, दोपहर थी, शाम थी, रात थी, सुबह थी, कवन सा वेला, वक्त कवन, कवन थित कवन वार, क्या तिथि थी, तिथि क्या थी और वार कौन सा था। कवन सी रुत माह कवन, महीना कौन सा था और ऋतु कौन सी थी, ये छह ऋतुओं में से कौन सी ऋतु थी और बारह महीनों में से कौन सा महीना था। जित होया आकार, जब सृष्टि का जन्म हुआ। खुद ही जवाब देते हैं बाबा, वेल न पाया पंडिता, वो पंडितों ने वो वेला खोज नहीं पाए, पता नहीं लगा। जय होवे लेख पुराण, अन्यथा पुराणों में लिख देते, लेकिन पुराणों में लिखा है उन्होंने और झूठा लिखा है। भला ईश्वर की बनाई हुई इस विराट संरचना को कब बनी, कैसे बनी, कौन जान सकता है। कोई मूर्ख ही होगा जो इस बात के ऊपर व्याख्यान करेगा, जो इस बात के ऊपर क्लेरिफिकेशन देगा। किसी को कुछ पता नहीं। वक्त न पायो कादिया, काजी ने भी वक्त का पता नहीं लगा सका। ये लिखन लेख कुरान, नहीं तो कुरान के भीतर लिखा होता। थितवार न जोगी जाने, कितना भी महान योगी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, कौन सा थित था, कौन सा वार था, ये वो जानता नहीं। रुत माह न कोई, कोई रुत कोई माह क्या थी, कुछ नहीं पता। जा करता सेठी को साजे, आप पहचाने सोई। जिस विराट ने सृष्टि की सृजना कर दी, सिर्फ वह ही जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। इसलिए जो व्यक्ति दावा करता है कि इस सृष्टि की संरचना इतने वर्ष पहले, वह सत्य नहीं बोल रहा है, वो झूठ का प्रसार कर रहा है। सत्य का किसी को आज तक न पता लगा है, न भविष्य में कभी पता चल पाएगा। अंदाजे हैं, अनुमान हैं, कितने ही लगा लो, पक्का पता न कर सकोगे। सृष्टि की संरचना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, किस तरह की, ये प्रश्न ही मूर्खता से भरे प्रश्न।
इसलिए बुद्ध कहते हैं देखो व्यर्थ की बातों के अंदर अपना कीमती समय बर्बाद न करो, ये बेला फिर हाथ नहीं आएगा। एक बार गया सो गया, तुम नहीं जान पाओगे, इसलिए कोशिश छोड़ दो। जिसने बना दी बना दी, तो फिर तुम क्या करो? बुद्ध कहते हैं कि तुम दुखी हो, जीवन दुख है, जीवन दुख है और तुम सब इस दुख को भोग रहे हो। तो फिर ये करो कि अपने दुख से निजात पा जाओ, अपने दुख का परिहार कर लो, अपने दुख का अंत कर लो। ऐसा क्यों नहीं करते? फालतू के प्रसंगों में वक्त काहे खराब करते? और बुद्ध कहते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आज तक ना कोई दे सका है, ना कोई जवाब दे सकेगा। जा करता सेठी को साजा, आपे जाने सोई, वही जानता है। जिसने बनाया है वो जानता है, कब बनाई, कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, सब वो जानता है जिसने सृजन किया। और खुदा की बातें तो खुदा ही जाने, तुमने उनकी बातों से लेना क्या है, तुम्हारा क्या मसला हल होता है इसमें? भला तुम्हें पता चल जाए तो क्या तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? जरा गौर से देखना, अगर तुम्हें आज पता चल जाए, खुद ईश्वर नीचे उतर के आपको बता दे, तो उसके बताने से क्या तुम्हारा दुखड़ा दूर हो जाएगा? क्या जिन्होंने बता दिया ये पंचांगों के भीतर लिखा है, ये शास्त्रों के भीतर लिखा है, ये कल्प सृष्टि की संरचना तब तब हुई और इतने मनमंत्र हुए और इतने कल्प हुए और इतने इतने मनु हुए, ये सब कुछ व्याख्यायित है, लेकिन इतना कुछ जान लेने के बाद क्या तुम्हारा दुख रत्ती भी कम हुआ? क्या तुम्हारे भीतर संतोष का जन्म हुआ? क्या तुम्हारे भीतर तृप्ति की कुछ भावना आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों के जवाब से तुम तृप्ति की उम्मीद मत रखना। जिसने बनाई उसने बना ली, जब बनाई तब बना ली, और जैसे बनाई तैसे बना ली। तुम्हारा इसमें प्रयोजन भी क्या है? तुम्हारा मात्र प्रयोजन यह है कि मानव दुखी है, तो मूलभूत प्रश्न पे क्यों नहीं आते? तुम छिटक छिटक क्यों जाते हो? सही मूलभूत प्रश्न के ऊपर आप आते क्यों? सही मूलभूत समस्या का आप समाधान करते क्यों नहीं? क्या दुविधा है? क्या हो गया है मानव जाति को आज? दुख तो कुछ और है, उसका हल कहीं और ढूंढ रहा है। तुम दुखी हो, किन्हीं कारणों से दुखी हो, और तुम पूछ रहे हो बाबा सृष्टि की सृजना कब हुई, किसने की और कैसे की?
और मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अगर कोई तुम्हें बता दे, बाबा नहीं बता पाएंगे, बाबा को नहीं बता। मुझे तो क्षमा करना होगा, मैं ऐसे पाखंडों में पढ़ने वाला नहीं, मुझे नहीं पता, जिन्हें पता है उनसे पूछ लो। लेकिन एक बात मैं निश्चित कह सकता हूं कि जो तुम्हें जो भी कुछ बताएंगे उनसे तुम्हारी समस्याओं का हल तनिक भी होने वाला नहीं। समस्याएं वहां की वहां उतनी की उतनी बनी ही रहेंगी और तुम उतने के उतने दुखी बने ही रहोगे। उसमें रत्ती भेद होने को नहीं। ये प्रश्न बुनियादी प्रश्न है, इसको पूछने की मनुष्य जाति को आवश्यकता भी नहीं। कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर जलचर थरचर नभचर मानव के सिवा यह प्रश्न नहीं पूछता। कितनी खुशहाल खड़ी है प्रकृति, कितनी प्रसन्न है, फूल खिलता है, सुगंध बिखरती है, सुबह की ताजगी, सुबह की आसमान से गिरती हुई बूंदें ओस की तुम्हें लुभान्वित कर लेती हैं। क्या ये दृश्य तुम्हें आनंदित नहीं करता? और अवश्य ही तुम इस प्रश्न का जवाब लेकर आनंद मानोगे। इस प्रश्न का जवाब लेकर भी तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी, झगड़े झूठे भी खत्म नहीं होंगे, कष्ट क्लेश भी नहीं मिटेगा और रोग नाश भी नहीं होंगे, मन भी भटकने से नहीं रुकेगा, तुम्हारा संसार ज्यों का त्यों चलता रहेगा। प्रश्न का जवाब मिल गया तो भी, न मिल गया तो भी, फिर काहे वक्त को आते। ऐसी का जान पे मुसीबत आन पड़ी है, क्यों वक्त को आते हो? वक्त पहले ही बहुत कम है, वक्त तुमने पहले ही बहुत गंवा दिया, अब होश में हो। वक्त को और ज्यादा व्यर्थ की प्रश्नों में मत गवाओ, यही बुद्ध चाहते थे। बुद्ध चाहते थे कि जिन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं, उन प्रश्नों के जवाब देने से आपकी कोई समस्या का हल होने को है नहीं। आपकी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों बरकरार बनी रहेंगी। प्रश्न पूछने से पहले जो थी, प्रश्न बताने के बाद, उत्तर बताने के बाद ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, कोई भेद नहीं पड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इन 14 प्रश्नों के जवाब मुझसे कोई ना पूछे, ये अव्याकृत प्रश्न है। व्याकरण में इसका जवाब है नहीं। सृष्टि किसने बनाई, मैं तो नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता, और मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। कोई मूर्ख ही होगा जो आपको इस प्रश्न का जवाब देगा, और जिन लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया वो मूर्ख है, निश्चित मूर्ख है, पक्के मूर्ख है, क्योंकि इसका जवाब
सृष्टि बनाने वाले से अलावा किसी के पास नहीं। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सो, वो जानता। और हमने जान के लेना भी क्या है, कौन सी गुत्थी हमारी खुल जाएगी, कौन सी गांठ हमारी खुल जाएगी, कौन सा दुखड़ा हमारा हल हो जाएगा। कोई भी तो दुख हल होने को नहीं, कोई भी तो रोग नाश होने को नहीं है, कोई भी समस्या का हल मिलने को नहीं। इसलिए ऐसे प्रश्न व्यर्थ के प्रश्न हैं, इसलिए बुद्ध ने इन्हें अव्याकृत प्रश्नों की श्रेणी में डाल दिया। और ऐसे 14 प्रश्न थे। अगर तुम सच में ही ईमानदार हो और सच में ही समझदार हो तो एक बात का ध्यान रखना, ऐसे ऊट पटांग प्रश्न मत पूछो, क्योंकि ऐसे ऊट पटांग प्रश्नों का कोई जवाब है ही नहीं। जिस सृजना का एक रेत का कण तक तुम बना नहीं सकते, अगर धरती पे कोई व्यक्ति रेत का एक कण बना सकता है तो बता दो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक रेत छोटे से छोटा कण कोई बना सकता है तो बता दो। ऐसा कोई नहीं। इसलिए नानक कहते हैं, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। तुम एक कण बना नहीं सकते, तुम्हारा सृष्टि का कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा साइंसदान, वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा समझदार, नोबेल विनर एक रेत का कण क्रिएट नहीं कर सकता। और यहां तक तो छोड़ो, विज्ञान कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम बना तो सकते ही नहीं, असमर्थ हो, तुम विनष्ट भी नहीं कर सकते उसकी सृजना को। बड़ी हैरानी की बात है, कितनी हैरानीजनक बात है कि ईश्वर की सृजना को तुम बना तो सकते ही नहीं, तुम डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते। यू कांट कंस्ट्रक्ट एंड यू कांट डिस्ट्रक्ट। तुम विनष्ट भी नहीं कर सकते, तुम बना भी नहीं सकते। ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा अभिमान है, और ये तुम्हारी मूढ़ता है ऐसे प्रश्नों को पूछना। ऐसे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता है। परमात्मा ने सृजना बना थी, तुम उसे बना नहीं सकते। जितनी तुम्हारी धरती के ऊपर पदार्थ हैं, उतने ईश्वर की सृष्टि के अंदर एक ग्रह के आसपास आवारा एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। हैरानी की बात है, जितना तुम्हारी धरती का भार है, उतने ग्रहों के आसपास आवारा एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। और तुम बात करते हो सृष्टि के निर्माण की, और तुम्हें बताने वाले बता भी देते हैं, इतने वर्ष पहले सृष्टि का आरंभ हुआ था और इतने वर्ष बाद
सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये दोनों बातें गलत है, इनमें कोई सत्यता नहीं। जिसने बनाई जो विनष्ट कर देगा वही जानता है कब बनाई और कब वो विनष्ट करेगा, यह उसे ही मालूम है। और क्यों बनाई यह उसने उसको ही मालूम है। कैसे बनाई ये तुम जान भी ना सकोगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों के ऊपर शक्ति और समय को बर्बाद मत करो। वक्त की खराबी के अलावा और इसमें कुछ निकलेगा नहीं, मात्र वक्त की खराबी है। बुद्ध जैसे समझदार लोग, बुद्ध जैसे ज्ञानी लोग पहले ही आपकी रोकथाम कर देते हैं। देखो कोई इन प्रश्नों को हमसे पूछे नहीं और स्पष्ट कह देते हैं इनका जवाब नहीं, इनका जवाब वास्तव में नहीं। न काजी के पास है बेल, न पाया पंडिती। वक्त न पायो का दिया, इन धर्म गुरुओं के पास वो बेला नहीं है। कब बनाया कैसे बनाया ये तो बात छोड़ दो, बहुत आगे की बात। कब बनाया ये भी नहीं पता है, ये सब अंदाजे हैं और अंदाजे अंदाजे ही हुआ करते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो में क्या खाक बनाऊं, जिस चीज का मुझे पता ही नहीं है उसको मैं आपको वितरित क्यों करूं। और ये एक झूठ अगर बुद्ध बोल देते तो अनंत अनंत काल तक ये झूठ फैलता ही रहता। ऐसे ही कोई सत्पुरुष अगर किसी भी बात को झूठ व्याख्यायित कर देता है तो वह नहीं जानता कि वह मानवता का कितना नुकसान कर देता है। ये झूठ आगे चलता रहेगा और आगे विकृति भी होता रहेगा और विकृतियों के भीतर भी और विकृतियां आती रहेंगी। और जो बोला गया था वो तो गलत था ही, आगे जो विकृत हो गया वह तो बिल्कुल ही नरक बन गया। इसलिए ऐसे प्रश्नों के जवाब मत पूछो, ऐसे प्रश्नों के जवाब से आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। प्रश्न पूछो जो आपके हृदय के अंतस्थल से उठते हैं, समस्याओं को पूछो, समस्याओं का निदान कहाँ होता है ये पूछो, समाधान कहाँ होता है ये पूछो, समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या करें ये पूछो। ये पूछने की बातें हैं, ये पूछने के प्रश्न हैं आपके लिए। ये प्रश्न पूछने के योग्य नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। और जो इंफॉर्मेशन देगा वो बुद्धू होगा। परमात्मा की सृष्टि में क्या परमात्मा ने किया ये वही जानता है, मनुष्य उसका और छोर कभी पा नहीं सकेगा।
मनुष्य के पास कोई पैमाना नहीं कि ईश्वर की बनाई हुई किसी भी कृति का वह ओर छोर पाले, आदि अंत पाले, उसके बस से बाहर की बात। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे प्रश्न मेरे से मत पूछना, कृपा करके प्रश्न पूछना जो तुम्हारे वास्तविक जीवन से आते हैं। और तुम्हारे वास्तविक जीवन से क्या आता है? तुम्हारे वास्तविक जीवन से आती हैं पीड़ाएं, रोग, कष्ट, कलेश, झगड़े, कलह, अज्ञानता, दुख, सुख का अभाव। ये तुम्हारी वास्तविक समस्याएं हैं और तुम अपनी वास्तविक समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हो। किस अभागे क्षण में तुम ये सीख गए समस्याओं से परे जाके प्रश्नों को पूछना? वो वेला अवश्य ही अत्यंत अभागा वेला होगा। जब तुमने अपनी समस्याओं का निदान करने की बजाय प्रश्नों का समाधान करना उचित समझा। बुद्ध कहते हैं कि तुम दुखी हो, जीवन दुख है, और तुम सुखी कैसे हो जाओ? वास्तविक प्रश्न तो यह है मानवता का, सारी मानवता का एक ही प्रश्न है, सुखी कैसे हो जाए मानवता। और जितना सुखी होने की योजना बनाती है, नक्शे बनाती है, कल्पनाएं करती है, उतनी ही मानव जाति और ज्यादा दुखी होती जाती है रोज। क्या हो गया है मानव जाति को? मानव जाति भटक गई है। मानव जाति अपने बस में नहीं रही, इसलिए इस तरह के व्यर्थ के प्रश्न आज पूछे जा रहे हैं जिनका कोई अर्थ, जिनसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, कोई गुंडे नहीं खुलती, कोई गांठ नहीं खुलती, कोई तुम सुख का एहसास नहीं करते, कोई तुम सुख का श्वास नहीं लेते, कोई आनंद की छलक नहीं आती, कोई गीत भीतर से उभरता नहीं, कोई नाच पाँव में थिरकता नहीं, कोई प्रेम की अश्रुधारा आंखों से गिरती नहीं, कोई परम सुगंधी तुम्हारी नासापुटों को छूती नहीं। असली समस्याएं ये हैं। ये जो तुम पूछ रहे हो ये समस्याएं हैं ही, नकली भी नहीं है, ये समस्याएं ही नहीं। इसलिए कृपा करो, मूलभूत पीड़ा पे आ जाओ। जो तुम्हारा कष्ट है, सत्य में जो कष्ट है उसकी बात करें, वह कष्ट दूर कैसे हो, वह अज्ञान दूर कैसे हो, समस्याओं का समाधान किस तल पर जाकर मिलेगा, कैसे होगा दुखों से छुटकारा, कैसे हमारा जीवन परम आनंद में डूबेगा, कैसे हमारे जीवन में उल्लास आएगा। अब तो भरे पड़े हो दुखों से, दर्दों से, रोगों से,
वासनाओं से, कल्पनाओं से भरे पड़े हो और यह तुम्हें चैन नहीं लेने देता। प्रश्न तो ये है कि तुम्हारा मन है और तुम्हारा है और तुम्हारे वश में है, बागी हो गया है, तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम्हारा सेवक है और मन तुम्हारे से बागी है। प्रश्न तो यह है, ये प्रश्न तुम पूछते ना। मानवता को मैं कहता हूं आज हो क्या गया। मानवता अपने असली दुख को उगाड़ती, उगाड़ने को तैयार नहीं। फिर इससे क्या अंदाजा यही लगा लिया जाए कि मानवता अपने दुखों से मुक्ति पाना नहीं चाहती? ऐसा भी नहीं, मानवता दुखों से मुक्ति पाना चाहती है। फिर वो दुखों से मुक्ति पाने के उपाय क्यों नहीं पूछते? संत जनों से, बुद्ध जनों से, मनीषियों से, मुनियों से, ऋषियों से क्यों नहीं पूछते? क्यों व्यर्थ व्यर्थ के कचरे प्रश्न पूछते हैं जिनमें से कोई रस निकलने को नहीं है, जिनमें से किसी प्रकार की खुशहाली नहीं आएगी, उनका जीवन सुखी और संपन्न नहीं हो पाएगा? यह अभागा क्षण आ गया मानवता के लिए। आज मानवता इस कगार पे खड़ी है कि मानवता के अभागे क्षण की दौर चल रही है। ये अभागा क्षण तभी बीतेगा जब तुम व्यर्थ के प्रश्नों को छोड़कर सार्थक प्रश्नों पे आओगे। जो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारा दुख है, जो तुम्हारा रोग है, वो सही सही बतलाओगे आचार्यों के पास, ज्ञानियों के पास, बुद्धों के पास, सिद्धों के पास, मुनियों के पास, मनीषियों के पास, ऋषियों के पास। और जब तक नहीं बतलाओगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा और तुम दुखी ही रहोगे। इन वृत्तियों को त्याग दो, ऊल जलूल प्रश्न करना छोड़ो। प्रश्न और भी हैं, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। दुख कोई कम है? मनुष्य जाति को कोई कम दुख है? आज आंखें खोल के देखोगे तो सब तरफ चीत्कार होते पाओगे, चिल्लाहट, रोना, थूना, पीटना, सब जगह यही कुछ हो रहा है। और तुम पूछते हो कि सृष्टि की सृजना परमात्मा ने कब की? सृष्टि का आगाज कब हुआ? किसने किया? कैसे किया? नहीं, ये व्यर्थ के प्रश्नों में उलझना बंद कर दो। अपने सही कष्टों के प्रश्न करो, दुखों के समाधान की बात करो, खोपड़ी के खुजलाने की बात मत करो। ये प्रश्न तो खोपड़ी की खुजलाहटें हैं, इनको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने वास्तविक समस्याओं से निजात
चाहिए तो तुम्हें वास्तविक प्रश्नों को पूछना पड़ेगा, तुम्हें वास्तविक समस्याओं को बुद्ध पुरुषों के आगे रखना पड़ेगा। मनीषियों के आगे अपने भीतर का दर्द बताना होगा, अपना रोग छिपाना नहीं होगा, अपना रोग चुबारे पे चढ़कर चिल्लाना होगा, मुझे ये रोग है, कोई इलाज कर दो। लेकिन तुम होके छुपाते हो। सारी मानवता दुखी है और संत अच्छी तरह जानता है मानवता दुखी है और मानवता ऐसे प्रश्न पूछ रही है। अंडा पहले हुई, मुर्गी पहले हुई। ईश्वर की सृजना कब हुई, सृष्टि की सृजना कब हुई? अगर सृष्टि को ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर की सृजना कब हुई, किसने की? ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों में आप जीवन को गुजार देते हो और आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। यह अमोलक जन्म था, हीरे जैसा जन्म था, इससे तुम चाहे तो बड़ा लाभ उठा सकते थे, सभी समस्याओं को ढेर कर सकते थे। लेकिन आखिर में तुम खाली हाथ, हाथ मलते मलते चले जाते हैं, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हीरा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले चाहे, ऐसे प्रश्न पूछो। ऐसे प्रश्न पूछने से तुम्हारी किसी प्रकार के कोई दुख, समस्याएं, रोग, कष्ट, तकलीफ, व्याधि, इनका हल होने को नहीं। श्रेष्ठ प्रश्न पूछो। सही जो आपको तकलीफ है वो प्रश्न पूछो, वो पूछने के योग्य है। धन्यवाद।